राज्याध्यक्ष प्रीति रेड्डी ने एक 80 लोगों का जो लिस्ट हम लोगों ने जारी किया था, वो लिस्ट में हमारा जिले का भी 3 लोगों का नाम आया हुआ है। तो कल जो 80 लोगों का लिस्ट जो जारी किया गया था, उसमें बहुतेक हम लोगों ने एक विद्यावंत, एक वयस्कर लोगों को ज़्यादातर हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया गया है उसमें। तो 80 जो लिस्ट में है, उसमें से हम लोगों ने 7 औरतों को, महिलाओं को दिया गया है, और 16 मास्टर डिग्री होल्डर्स है उसमें, और 47 ग्रेजुएट्स है। 47 ग्रेजुएट्स में 18 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है और 6 MBA ग्रेजुएट्स है। तो 13 एडवोकेट्स है उसमें और 3 डॉक्टर्स है, तो 4 IT प्रोफेशनल है। तो हम लोगों ने जो हमारा स्टेट और सेंट्रल टीम ने जो सिलेक्शन कमेटी ने जो किया है, बहुतेक हम लोगों ने 45-50 एज के अंदर के लोगों को और विद्यावंत लोगों को हम लोगों ने लिस्ट में जारी किया है नाम। और उसमें बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली का कैंडिडेट का हमारा जारी किया गया है। उसमें से पहला जो अथनी क्षेत्र में संपत कुमार शेट्टी जो ग्रेजुएट और एडवोकेट है और यंग है, तो उनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में आया गया है। और मलिक जान नदाब करके जो रामदुर्गा तालुका में, वो एक प्रोफेशनली टीचर है, प्रोफेसर है और सोशल वर्कर है, उनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में जारी किया गया है। और बैलोंगल तालुका, बैलोंगल असेंबली में बसनगौड़ा चिकनगौड़ा, उनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में आया गया है। और बसनगौड़ा चिकनगौड़ा बेसिकली लास्ट 10 ईयर्स बैक वो जडपी जीते हुए थे, जडपी में, और बहुत सारे सोशल वर्क किया है और फार्मर्स के हित में बहुत काम, अच्छा काम करते हैं। तो उनको भी पहले लिस्ट में उनका भी नाम लिया गया है। अभी तो नॉर्थ और साउथ में तो हम लोगों ने देख रहे, क्योंकि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का उनका रणतंत्र जो होगा, उसके हिसाब से हम लोग नॉर्थ और साउथ के लिए हम लोग कैंडिडेट देखेंगे। क्योंकि अभी राजू टोपनर जो काम कर रहे थे नॉर्थ में, तो उनका जनप्रिय इतना है कि उनका साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लिस्ट में उनका जारी नहीं किया है। जो कांग्रेस बीजेपी वाले करेंगे, तो उसके बाद हम लोग सेकेंड लिस्ट में उनका नाम लिया जाएगा, और उनको कहाँ हम लोग खड़ा कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। वैसी मौका नहीं देगी, जो पहले से हमारे टच में रहेंगे और हमारा आइडियोलॉजी के साथ काम किए रहेंगे, तो उनको पहले प्रेफरेंस हम लोग देंगे। पहले से जुड़ के बहुत साल से आम आदमी पार्टी में काम किए हुए लोग भी हैं, और नए बोले तो एक 7-8 महीने से भी हमारा आम आदमी पार्टी का और असेंबली में काम किए हुए लोगों को ही पहले लिस्ट में उनको अनाउंस किया गया। अभी वो बीजेपी ज्वाइन हुए, आम आदमी पार्टी छोड़ गए, तो उसका उनको ही मालूम क्यों उनका क्या वैसे वजह हुई, क्या वो सडनली वैसे छोड़ के गए। मुझे नहीं लगता कि पार्टी में तो अच्छा काम कर रहे थे और पार्टी में अच्छे पोजीशन में भी थे, तो सडनली वैसा डिसीजन क्यों लिए वो हमको भी मालूम नहीं है। यहाँ पर नाराज़गी तो नहीं है, मुझे लगता है और आपको भी मालूम है, ये 70-60 बरस से जो पार्टी है, ये अच्छे लोगों को कैसा मरोड़ के कैसा उनको अपने पार्टी में शामिल करना, और कैसा उनको दबाव में उनको ये करना, तो आपको भी मालूम है। मुझे नहीं लगता पार्टी छोड़ने का पीछे उसका क्या मतलब है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो मुझे मालूम नहीं है। कुछ हुआ रहेगा इसलिए वो पार्टी छोड़ के दबाव में भी गए रहेंगे शायद। हम लोग तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, ये जो कमीशन विरुद्ध में और जो स्मार्ट सिटी के विरुद्ध में, जो स्कूल और कॉलेज और हेल्थ सेक्टर में जो पीछे पड़े हैं, लोकल बेसिक लोकल इशू पे हम लोग ज़्यादातर ये करेंगे, उसके मुद्दे पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ग्राउंड लेवल पे तो हमारा एक 8-9 महीने से हमारा ग्राउंड लेवल काम चालू था, तो उसका रिजल्ट डे बाय डे आ रहा है। तो केजरीवाल और भगवंत मान और संजय सिंह और ऐसे हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता है, जब आके जाएंगे तो और भी
माहौल अच्छा हो जाएगा। अभी तो हमारा रिस्पांस अच्छा है, हमारा 60% तो हमारे को लोगों ने रिस्पांस दिया है। अभी काम करना है, कर रहे हैं हम लोग, वो तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि हमारा तो काम है। हम लोग तो बेसिकली पॉलिटिकली इसमें आए हुए लोग नहीं है, हम लोग पॉलिटिकली पॉलिटिक्स चेंज करने आए हैं। हम लोगों में पीछे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हमको पॉलिटिक्स में कैसा स्ट्रैटेजी करना है, क्या करना, हम लोगों को उतना मालूम नहीं है। मगर हमको इतना मालूम है कि हम लोग लोगों को क्या सर्विस देना है और कैसा काम करके लेना है, वो उतना हमको मालूम है। आपने देखा होगा, पंजाब में भी देखा है तो गुजरात में भी देखा है, वहाँ पर तो पूरा सत्ता बीजेपी का था, तो वहाँ पर हम लोगों ने 5 सीट लिए हैं। तो ये कहना गलत होगा कि हम लोग कांग्रेस के वोट ले रहे हैं, नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के भी और बीजेपी का वोट ले रहे हैं। हम लोग एक जो पॉलिटिकली सिस्टम चेंज करने वाले सोचते हैं उन लोगों के लिए हमारा पार्टी खड़ी है। तो वो वोट शेयर हमको 15-20% हमको वोट शेयर मिल रहा है। ಇಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದರು, ಅಚಾನಕ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನೂ ಚಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವ ಒಂದು ಚಲೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ನಾರ್ಥ್ಗು ಅಭಿ ತಕ್ ಹಮ್ ಲೋಗೋನೆ ವೋಟ್ ಬೇರೆಕಾ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ರಾಜು ಟೋಪನ್ ಅವರು ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ, ತೋ ಉನ್ಕಾ ಜೋ ವರ್ಚಸ್ ಹೈ, ಜೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾ ಜೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ, ನಾರ್ಥ್ ಮೇ ಭಿ ಹೈ ಔರ್ ಸೌಥ್ ಮೇ ಭಿ ಜ್ಯಾದಾ ಉನ್ಕಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗ ವೇಟ್ ಕರ್ ರಹೆ ತಾಕಿ ಸಹಿ ವಕ್ತ ಪರ್ ಕಹಾಂ ಉನ್ಕೋ ರುಕಾನಾ ವೋ ಹಮ್ ಲೋಗ ಡಿಸೈಡ್ ಕರೆಂಗೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಸೌತ್ದಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಯಾರು. ನಾನು ಸೌತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ಕೇಸಿ ನಂದು ಭಾಳ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡತ್ತು, ಆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಗ್ರೂತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಂದೇನು ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪದೇನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ಕೇಸಿ ನಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಜರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಸಲದ ಮೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋ ಮೈ ಥೋಡಾ ಬತಾನಾ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ ಮಜೆ ದೇಖ ಲೆಂದೆ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಮೇರಿ ಪಹಚಾನ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಮೇರೆ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಹೈ ರಿಜಲ್ಟ್ ಮೇರೆ ಕೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇ ಸಕ್ತಿ ಹೂಂ. ಅವಾಮ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಮೈ ಆಯಾ ನಾ ತೋ ಸಮಝೋ 5 ಸಾಲ ಮೈ ತುಮಾರಾ ಹೈ, ಹಾಥ ಪಕಡ್ ಕೋ ಭಿ ಕಾಮ್ ಮಜೆ ಪೂಛ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಯೋ ಜೋ ಹಮೇ 5 ಸಾಲ ತಕ್ ಹಮೇ ಹರ್ ಜೋ ಲಾಯಿ ಹಮೇ ಪಲ್ಟ್ಯಾಂ ಕೋ ತೋ ಉನ್ಹೋ ಅಭಿ ತಕ್ ಆತೆ ಹೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೀ ಕರ್ತೆ ಹೀ ಜಾತೆ ಹೀ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಕೊಂಚ ಕಾಮ ನೀ ಹೋ ರೇ ಹಮಾರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗವಲ್ಲು ನಮ್ಮೂರಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಸಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೇಸಿ ನಮ್ಮ ಊರದು ನಮ್ಮದು ಸೌತ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನಿಮ್ದು ಏನಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೋ ಅನ್ಕೇಸಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಪಲ್ಟ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆ ಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರವರು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರು, ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನನಗೆ ಕುಣಿಸ್ಯಾರು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ದು ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಬೈಕ್ ರೈಲಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂದಿ ತೆಗಿತಾರೆ ರೈಲಿ ಅನ್ಕೇಸಿ ಆ ಹಿಸಾಬ್ಲಿ ಏನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಸಾಬ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲಿ ತೆಗೆದ್ಕೇಸಿ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನಿದ್ದಿದ್ದು 150 ಮುಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮುನ್ನ ಅವ್ರು ಗುರುತಾಗಬೇಕನ್ಕೇಸಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರೈಲಿ ತೆಗ್ಯಾತು. ಹ್ಞೂ, ಆ ಹಿಸಾಬ್ಲಿ ಜರ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ರೀ, ತುಮಾರಿ ದುವಾ ಅವನ್ನ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ಸಿ ಏ ಕರ್ಕಲಿಂಗ್.